जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक सिनेरियो गाड़ी है कंप्लीटेड सीएनजी और इस गाड़ी के अंदर है मिसिंग 3 नंबर सिलेंडर में और ये कम से कम नहीं कि तो 7 से 8 मिस्त्री से घूम के आया है, यहाँ तक कि इसके अंदर हेड का काम भी हो गया और ये गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम अभी भी दिखा रहा है वो हेड का दिखा रहा है। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन हमने चेक किया, नज़दीक में ले आओ और एक एक चीज़ को दिखाएंगे क्या क्या चीज़ चेक किया हमने और कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है। रोक दो, नज़दीक ले आना थोड़ा। देखो एक मिस्त्री क्या कर पाएगा, एक मिस्त्री सबसे पहले चेक करेगा गाड़ी को, चेक करने के लिए क्या करता है आज के टाइम में भाई, नॉर्मल कोई वायरिंग नहीं खोलता, कुछ नहीं खोलता है नॉर्मली। आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हो गया है तो सबसे पहले हम स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर से चेक किया तो हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, तो हमने नॉर्मली प्लग खोल के चेक किया उसमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, कॉइल चेक किया फॉल्ट नहीं मिला, इंजेक्टर अल्टी पल्टी मारा कोई फॉल्ट नहीं मिला, सीएनजी का इंजेक्टर अल्टी पल्टी मारा कोई फॉल्ट नहीं मिला, क्योंकि 3 नंबर सिलेंडर में जो मिसिंग आ रहा है वो सिर्फ सीएनजी में ज़्यादा और पेट्रोल में कम, सीएनजी में ज़्यादा पेट्रोल में कम, सीएनजी में ज़्यादा क्या, सीएनजी में फुल सिलेंडर बंद 3 नंबर का और पेट्रोल में मिसिंग कर रहा है हल्का। तो हमने इस गाड़ी को बोला कि हेड चेंज होगा या हेड में काम होगा, लेकिन जो मिस्त्री साथ में आया था हमें बताया नहीं कि मिस्त्री है, उन्होंने बोला भाई साहब हमने हेड कर लिया, तो बोला हेड कर लिया हमने, तो फिर हमने बोला भाई हेड का काम हो गया, तो फिर मैंने बारीकी से हर एक चीज़ को चेक किया, मतलब यहाँ तक कि एक एक पाइप एक एक कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ मल्टीमीटर रखा है, अभी भी मल्टीमीटर ऑन है, मैंने चेक किया है क्वांटिटी वो लगा के, बीप के साउंड पे हमने वायरिंग चेक किया है, अच्छा 12 वोल्ट चेक किया है, जो हमारा माइनस आता है एसीएम से वो चेक किया है, मतलब एक एक चीज़, ना स्कैनर में कोई फॉल्ट आ रहा ना कुछ आ रहा है, सारे चीज़ चेक किया लेकिन हमें नहीं मिला, कॉइल अल्टी पल्टी मारना, इंजेक्टर अल्टी पल्टी मारना, सारे काम हमने कर लिया, सारे फिक्रमबाजी हमने करके देख लिया लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में मेरे दिमाग में क्या आया, मैं बोला एक काम करता हूँ, 3 नंबर में फॉल्ट आ रहा है तो मैं 3 नंबर को शॉर्ट आउट करता हूँ डायरेक्ट, वो कैसे करूँगा, क्योंकि कॉइल में करंट आ रहा है प्रॉपर, मैंने चेक किया इंजेक्टर में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को क्यों ऐसा लगा कि मैं एक बार इंजेक्टर का ना वायरिंग को बाईपास करके देखता हूँ। 12 वोल्ट मैंने चेक किया मल्टीमीटर से और जो हमारा माइनस आता है एसीएम से उस चीज़ को हमने चेक किया बाईपास करके, आप देख सकते हो बाईपास क्या किया, एसीएम के पास से वायर को छीला और आउट फिटिंग ले आया, जैसे ये ब्लू वायर है उसमें, और गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और गाड़ी हमारी ओके हो गई। मैं आपको एक बार फॉल्ट भी दिखाऊंगा जो हमने सही किया, ये फॉल्ट मिस्त्री के लिए भी है और गाड़ी वाले के लिए, कभी भी कोई गाड़ी मतलब मिस्त्री फंसता है तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, कोई भी सीएनजी गाड़ी है सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेरियो या डिजायर है इसके लिए, कोई भी गाड़ी हो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सिग्रमबाजी आजमा के सही कर सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सही और ख़राब क्या है, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं अभी बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ सही और गलत। वीडियो रोक दो एक बार, कौन आया था मैंने वायर हटा दिया है देख सकते हो, अभी ये गाड़ी के कनेक्शन पे है और हमने जो चेक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है, अभी सीएनजी में आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर मिसिंग आ गया, 3 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है देख सकते हो। तो हमने क्या किया है, आप देख सकते हो ये 3 नंबर सिलेंडर है और 3 नंबर सिलेंडर में मैं दिखा दूँ आपको, कोई भी मिस्त्री चेक करेगा तो क्या करेगा, करंट आ रहा है गाड़ी मिसिंग कर रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन मैं आपके साथ
तक तो ये मैंने फिटिंग कर दिया, और ये मैंने बाईपास वायर लगा रखा हूँ उसका एसीएम से। और ये देख सकते हो गाड़ी सही हो गई है। थोड़ा और नज़दीक ला के दिखाओ इंजन, इंजन की तरफ फोकस रखो, दिख रहा होगा आपको। देखो ये मैं जॉइंट कर दिया, तो इसका जो इंजेक्टर का वायरिंग का करंट है, मतलब अर्थ, जैसे मान लो एक 5% अर्थ आना चाहिए, तो 5% में इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। मतलब इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए 8 मिस्त्री फेल हो गए, हेड का काम हो गया, 10 से 12 हज़ार रुपये नुकसान हो गया। जो मिस्त्री इसका हेड किया है वो मिस्त्री का 3 दिन ख़राब हो गया, मेरा हाफ डे ख़राब हो गया। और सुबह मतलब लगा हूँ सुबह मैं 9:30 बजे से, दुकान खोलने से पहले, शॉप खोलने से पहले से, अभी टाइम देख सकते हो आप, 1:13 मतलब 9:30 बजे से 1:13, कितना टाइम होता है, उतना टाइम तक ये फॉल्ट सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। और मिस्त्री ने बोला भाई साहब ऐसा बीमारी पहली बार हुआ है और पहली बार आया है, क्योंकि करंट आने के बाद भी गाड़ी सही नहीं हो रहा है और सिर्फ करंट का ही दिक्कत है। वो मिस्त्री भी देख के ताजुब रह गया कि आपने कैसे चेक किया ऐसे, क्योंकि करंट आ रहा है चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब देख सकते हो गाड़ी सही है, अब मैं ये हटा रहा हूँ, देख सकते हो। बीमारी वीडियो हर मिस्त्री तक पहुँचाएँ, अगर आप मिस्त्री देख रहे हो तो, अगर कार ऑनर हो, अगर आप लोगों के साथ भी कभी इस तरीके का फॉल्ट आता है या किसी दोस्त में फंसता है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जो आगे किसी को फ़ायदा हो, कम से कम एक तो, मतलब किसी को हेल्प के तौर पे आप ज़रूर शेयर करें वीडियो को। मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, वीडियो बनाता नहीं हूँ, अभी मैं लगभग 2 महीना वीडियो नहीं बनाया, 1.5-2 महीना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कई बार यार क्या वीडियो बनाऊँ, नॉर्मल सर्विस ये वो। लेकिन ऐसा फॉल्ट आ गया जिसमें हम खुद फंसे, 8 मिस्त्री फंसा, तो तब जाके मैंने बोला नहीं इस पर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट। और जिस मिस्त्री ने हेड किया है उससे भी बात कराऊंगा आपका। गाड़ी सही हो गया, आप लोगों को बता दिया, मैंने बताया था कि मिस्त्री से बात कराऊंगा, जो भाई ने पहले काम किया है, तो वो भाई आया हुआ है, और मैं आपको गाड़ी मैंने चला के भी चेक किया है, और अभी इस समय देख सकते हो एसी ऑन है, अंदर आ जाओ थोड़ा सा दिखाओ कैमरा, ये देख सकते हो इधर एसी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, और गाड़ी इधर दिखाओ अंदर मीटर में, इधर दो, इधर देख सकते हो सीएनजी में स्टार्ट है, बेल्ट आवाज़ कर रहा है थोड़ी सी, फैन बेल्ट वो टाइट हो जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हो आप सीएनजी पे है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिस्त्री भाई से भी बात कराऊंगा, ये मिस्त्री भाई बैठे हुए हैं, और ये मैं बात करता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ किस किस मिस्त्री को दिखाया क्या है। वैसे तो ये अच्छी तरीके से मेरे को जानते हैं, लेकिन मेरे को पास पहले नहीं लाया है, तो मैं ये क्यों नहीं लाया और क्या रीज़न था वो भी मैं पूछूँगा इनसे। तो ये गुंजन भाई है हमारा, पहले भी हम साथ में काम कर चुके हैं, मतलब मैं बता दूँ नहीं भी तो 17-18 साल एक्सपीरियंस होगा इनको, 17-18 साल एक्सपीरियंस है, और मेरा भी लगभग 19-20 साल एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे मत जाओ कि भाई एज कम दिखता है, तो उस चीज़ पे मत जाओ, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 33 साल एज है, 13 साल के एज से काम कर रहा हूँ। और गाड़ी सही हो गया, चलो वो एक अलग मैटर है। और ये मिस्त्री भाई है, और मिस्त्री भाई हेड भी किया है, इसका हेड का काम भी हुआ है, और कितने मिस्त्री को दिखाए और इलेक्ट्रिशियन को दिखाए वो चीज़ें बता दो एक बार। सबसे पहले तो भाई जो हमने कुछ चेक किया, हाँ क्या क्या चेक किया आपने? केंद्रीय वाले इंजेक्टर भी चेक किया, वो उसको पर गैस दे रहा था, वो मैंने सारे चीज़ें मैंने वीडियो पे बताया कि मैंने पलटी पलटी मार लिया, सारे चीज़ें करके देख लिया। और एक बात बता दूं कि
गुड़गांव में, गुड़गांव सिटी में हम लोग काम करते हैं। गुड़गांव में मतलब आफ्टर मार्केट में जो कंपनी फिटेड सीएनजी होता है या आउटफिटिंग सीएनजी होता है उसका मतलब समझ लो कीड़ा आदमी है, कीड़ा है, मतलब बहुत बारीकी से काम करने वाला मिस्त्री है, लेकिन फॉल्ट का कुछ नहीं पता भाई साहब। चाहे 20 साल हो एक्सपीरियंस, चाहे 50 साल, जहाँ फंस गए आप एक बार और कोई बच्चा भी करके निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बहुत बड़ा 30 मार खाए हैं। तो आपने कितना मिस्त्री को टोटल दिखाया? दिखा 6-7 मिस्त्री को आपने दिखा लिए, एक खुद आप हो, एक मैं हूँ और 2 इलेक्ट्रिशियन को दिखा लिया आपने। सबने क्या बताया? सबने हेड में दिक्कत बताया कि हेड खुलेगा। आपका भी एक्सपीरियंस यही बताया, हेड खुलेगा करने के बाद भी। और मेरा भी मतलब हेड कर आपने कर दिया, फिर भी मैं बोला हूँ हेड खुलेगा। खरादिया से बात किया, वो बोला हेड में 100% मतलब जिसने ठीक किया वो कह रहा 100% सही है, और जिसने नहीं किया वो कह रहा 100% उसी में ही दिक्कत है, लेकिन हेड में दिक्कत नहीं है। दोबारा हेड खुलेगा, मतलब दूसरा खरादिया को चेक कराया वो भी हेड खुलेगा बताया, बोला हेड में ही दिक्कत है। बताओ मिस्त्री कहाँ जाए और कितना पैसा खर्च कर दिया अब तक? कितने आपने? 11-12 हज़ार रुपये लगा दिया मेरे को दिया। अभी अभी 3 दिन हो गया, ये 4th दिन है, मतलब 4th दिन हफ्ते मैंने ले लिया। और अभी एक दिन दोस्तों चेक करने के महंगे करवाने में इधर उधर और उनको समझने में भी एक दिन खत्म होगा। मतलब उस दिन कोई काम नहीं हुआ इस गाड़ी के अलावा? गाड़ी के अलावा कोई काम नहीं। फिर लास्ट में हमने कोई है नहीं, तो जहाँ जा रहा बड़े बड़े मिस्त्री को भी कारण तो यही बोल रहा है ये मिसिंग हेड से ही आता है। हेड खोला हमने, हेड खोल के तरह से उसमें दिखा कर उसमें कटा हुआ है, हल्का बहुत चेंज कराना सारा चेंज करा। बाल इतनी महंगा अच्छी आ जाता है, आपका बाल है वो आपने चेंज करवाया, सारे बाल इंजिन और सारे काम करवाने में वो लाइट कोई या 10-12 हज़ार रुपये लगता ही लगता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। 12-13 हज़ार का खर्चा है ही, कि नॉर्मल आफ्टर मार्केट में अगर बड़ा गरीब में जाएगा तो 20-15 हज़ार रुपये का खर्चा ले ही लेता है। बहरहाल ये गाड़ी ओके हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। मैं इतना फोर्स नहीं करता हूँ क्योंकि देखो किसी का हेल्प हो जाए और किसी का मतलब फ़ायदा हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। और वीडियो को थोड़ा लाइक करना, इससे क्या ना हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि भाई इतना बंदा देख रहा है। तो ज़रूर वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय।